लीजिए, मैं पहुंच गया हूँ विक्रम पेंटर्स और अब ये उनका घर है। डिसेंट है घर पे, शॉप पे, घर पे नहीं है ना। ओके, इसलिए कहते हैं फ़ोन करके आना चाहिए। अच्छा आए पाँच बजे पहले, मैं पता चाहिए आ हेलो जी, कैसे हैं? मैं तो दिन से लगाया था, देखा मैंने तुम्हें खड़े हुए, पीछे से पहचान नहीं पाया। ओह सुना, मुझे लगा साथ वाली शॉप में वो बंद है। अच्छा। फिर मैं घर पे गया, मैंने बेल बजाई, बोलते आप बाहर होंगे। लेकिन बाहर तो मैं अभी बोल भी आया था, मैं टफी बोल रहा है, मैं शायद कोई आया है। हां मैंने बोला, ऊपर से खिड़की खुली और बोलती है आप शॉप पे चेक कर लो। मैं कहा ठीक है, वही तो चेक करके आया, दुकान तो बंद है। फिर मैं अंदर घुस गया, छत पे चला गया। अच्छा अगर ये बाहर नहीं निकलता तो मैं घूमता रहता बाहर। मैं तो उधर चला गया भाई, आए तो बाहर आ जाए पाव में मुझे। मैं चल, मैं उधर जाता हूं, मैं नीचे आया। तो ये वाला शॉप स्टार्ट कर रहे हो क्या यहां पे? नहीं, ये मेरे पे 5-6 साल से शॉप थी, पहले हाफ थी। ओके। और पिछले मुझे लास्ट दिसंबर में किया था मैंने। हाँ। खुद भी वहाँ से शिफ्ट, स्टेशन वाली छोड़ दी थी। हाँ। फिर वहाँ बोर्ड वगैरह वैसे ही लगे हुए, कोई एक्टिवा भी खड़ी थी व्हाइट कलर की जब मैं निकला उधर से। वो इधर छोटे वाले भाई तो था मांटू को। अच्छा, तो मांटू के पास है। और तुम यहाँ आ गए हो? मैं इधर हो जाए, सामने वाली जो छोटी वाली शॉप थी सबसे पहले वाली उसमें मैं था। ओके, 5-6 साल वहाँ किया, उसके बाद इधर शिफ्ट हो गया। उसके बाद आया नहीं, बस उसी टाइम की बात है। अच्छा, जब साइबर कैफे होता था तब शायद मैं एक बार आया था, क्योंकि शादी के मतलब ज़्यादा समय नहीं हुआ था। हाँ। 2-4 महीने शायद बीते। अच्छा, शादी के बाद आया था? शादी के बाद आ पाए। ओके, शादी के बाद आ पाए। आपको भी याद है मेरा? बिल्कुल भी नहीं थी, आपने मिठाई का नंबर लगाया था। अच्छा, मैं बल्कि आपके साथ वो आई थी, कोई लड़की आई थी चंडीगढ़ से, पता कहाँ की वो थी, फ्रेंड थी वो, कोई आई थी बल्स आई थी आपके साथ, आई थी चंडीगढ़ से। यहाँ में किसी को लेके आया? नहीं, ये नहीं जाया मैं, चंडीगढ़ से आई थी। हाँ। वो चंडीगढ़ की थी। हाँ। शायद आप ऐसे कुछ बताया था, कोई बाहर की थी, आउटर थी, आपने कहा मेरी फ्रेंड आई हुई है उधर मिलवाने आया, ऐसे मतलब ऐसे बुक्स हुआ था। ओके, बिल्कुल ब्लैंक है भाई, कुछ नहीं है। बात तो वैसे अभी की है, ज्यादा दिन पुरानी नहीं, 20 साल ही तो है। 20 और मैं किसी को लेके आई है तो नई बात पता नहीं, लाए थे उस टाइम लाए थे, या हो सकता तो इस मतलब। अरे एक कुर्सी आपकी, नहीं मैं इधर बैठता हूँ, ठीक है। आप, मैं पुरानी यादें ताज़ा करता हुआ घूम रहा हूँ। अपने दोस्त से करीब करीब 21 साल बाद मिलने के बाद मैं बढ़ चला हूँ वो घर देखने जहाँ मैं 1998 तक रहा था। तो चलिए चलते हैं। कंफ्यूज हूँ इस रास्ते, समझ में नहीं आ रहा गांव में कौन सा रास्ता जा रहा है, पर चल के देखता हूँ शायद तो समझ में आए। पर एक बात तो है, यहाँ सब जगह पहले खेत हुआ करते थे, अब यहाँ ये कंक्रीट के मकान हो गए हैं, फसलें नहीं होती अब यहाँ, ये प्रॉपर बेचने वाले और प्रॉपर्टी के प्लॉट्स यहाँ पर मिल रहे हैं। मैं वाकई इस रास्ते को पहचान नहीं पा रहा हूँ कौन सा रास्ता है। ये रास्ता उस जगह निकलेगा क्या, वो जो पानी की टंकी दिख रही है, पानी की टंकी निकल जाएगा यहाँ से, ये जा रहा है। मैंने एक शॉर्टकट लिया है ताकि मुझे ज़्यादा चल कर के ना जाना पड़े, और अब मैं पहुँच रहा हूँ उस एरिया की तरफ जहाँ मेरा घर हुआ करता था, जहाँ मैं मेरी ग्रेजुएशन तक रहा ऑलमोस्ट 8 साल तक। शुक्र है यहाँ अभी भी ग्राउंड है वैसे ही जैसे पहले हुआ करता था, ये बच्चे अभी खेल रहे हैं। यहाँ तेजली गांव में एक तालाब हुआ करता था,
मुझे लगता है मिट्टी डालकर उसे भर दिया गया है। तालाब तो ख़त्म कर दिए गए हैं पूरी तरह से। जब तालाब है और वो गवर्नमेंट की लैंड है और उसके बावजूद वहाँ बिल्डिंग से बन जाती है, गवर्नमेंट ऐसा अलाव कर सकती है? इस जगह को तो पहचानना मुश्किल है। यहाँ पर ये कैनाल कॉलोनी, पहले यहाँ से कच्चा रास्ता होता है, ये देखिए ये वो प्लॉट है जिसमें मैं रहा करता था। मैं का मतलब है वो जो आपको घर वहाँ दिख रहा है, उसमें मैं और मेरी दादी सोते थे। और अब तो यहाँ बहुत पेड़ उग गए हैं। ये वो दरवाज़ा था जिसकी हाइट मुझसे ज़्यादा होती थी, मतलब मैं यहाँ तक आया करता था इस पर और मुझे हाथ बढ़ा करके इसको खोलना पड़ता था। और आज देखो यहाँ से ये छोटा सा रास्ता है जो उस कमरे तक जाया करता था। मैं ऊपर छत पे सोया करता था वहाँ उस कमरे की। आज तो पूरा झाड़ हो गया यहाँ पर, देखिए कितने बड़े प्लॉट है वहाँ तक सब झाड़ियाँ हो गई हैं। कितनी यादें हैं इस कमरे की मेरे पास। मैं और मेरी दादी यहाँ सोया करते थे इस कमरे में। अब तो जाने का रास्ता ही नहीं रह गया, सब बंद पड़ा है। ये बहादुर अंकल का घर है जिसके पीछे, यहाँ से हम टॉप के उनके घर जाते थे। और बाकी पता नहीं किस किस के घर बन गए, पर इस कमरे के साथ मेरी यादें बहुत सारी है। मैं वहाँ उस तरफ से ईंटों से चढ़ के ऊपर सोया करता था, इस खिड़की में बैठ के पढ़ाई करता था। कमाल है, देखिए कितने बेल के पेड़ हो गए। ये कभी लगाया नहीं हमने, बाद में हो गया अपने यहाँ। ये एक तार जा रही खंभे से मैं बिजली का कनेक्शन लिया करता था यहाँ पर। उन दिनों मीटर नहीं होते थे, आप बस तार डालो और कनेक्शन लगा लो। वो मेरे दोस्त का घर है वहाँ पे, आजकल दोस्त नहीं है लेकिन पहले हुआ करता था। आए, तुम सितार के बेटे हो? तुम सितार के घर से? हाँ, सितार के घर से हो ना तुम? हाँ, तुम्हारी शक्ल से पहचान लिया मैंने। तुम्हारा घर कौन सा है? ये वाला पहले वाला? हाँ, मैं यहीं रहता था, तुम्हारा पड़ोसी था पहले, इस कमरे में रहता था पहले। देखिए ये दूसरा प्लॉट है जहाँ हम पहले रहा करते थे। आज से तो सब झाड़ियाँ उगी हुई हैं यहाँ पर, और अब तो देखना भी मुश्किल है कहाँ क्या है। कोई रहता है इस प्लॉट में? हाँ, मैं। तुम रहते हो आजकल? पहले हम यहाँ रहते थे शायद उस कमरे में। हाँ हाँ, वहीं रहते थे। मैं आऊँ देख है? मम्मी ना आ रही है। हाँ चलो। हाँ बेटा, ये वाला निकाल दो। थैंक यू। ये देखिए यहाँ पे होता था एक नलका, अब नहीं है, अब यहाँ टूटी लगी है। अमरूद का पेड़ काट दिया था क्या यहाँ से? यहाँ एक अमरूद का पेड़ होता है, पीपल तो छोटा सा था, पहले इतना बड़ा हो गया। कटहल का पेड़ लगी, इसमें कटहल लगते हैं? लगते नहीं।
से। मैं यहाँ पे 8 साल रह के गया। हैं किसके जैसे? पुनीत जैसा ना? नहीं बेटा, छठी ज़्यादा नहीं बनाते। पुनीत मेरा भाई है ना छोटा, मैं उनका बड़ा भाई हूँ अमित। ये क्या है? हाँ बेटा ये कैमरा है। सब बदल गया। तो ये सितारे का घर है? दिखता है इसमें? ये सितारों का घर है? हाँ। आगे वाला है? अच्छा वो वाला है। अच्छा हाँ, बीच में तो खाली प्लॉट था पहले। हाँ अब बन गया है वो भी। ओह सॉरी, लो जी देख लो सब बदल गया है यहाँ पे। शादी हुई थी किसकी? अच्छा जी, फिर क्या हुआ था? अच्छा सितार के? फिर नवाब अली की। अच्छा हाँ सही है। हाँ 5 मिनट की वीडियो है। जब हम छोटे थे तो यहाँ इस गली में क्रिकेट खेलते थे। क्या 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 भरते थे? शहतूत। अच्छा इसमें शहतूत लगते हैं? हाँ ये बीच में खाली प्लॉट था। ये खाली प्लॉट था बीच में, मैं इसमें ही रहता था दादी के साथ, मम्मी पापा उधर रहते थे। देखिए ये सारा प्लॉट है। कभी ये बहुत बड़ा लगता था, ये दीवारें इतनी ऊंची होती थी कि मैं इस पर चढ़ना मुश्किल था हम लोगों के लिए। अब देखिए मेरे यहाँ तक ये दिखा रहती है, तो मतलब मैं उस वक्त इतना छोटा रहूँगा क्योंकि इस दीवार पे चढ़ना भी मुझे मुश्किल लगा करता था, या फिर ये हाइट बढ़ा दी गई है। हाँ 2 फुट 1 फुट के आसपास इसको ऊँचा किया गया जब ये गली बनी है। शानदार है, यादें तो यादें होती हैं ना। मैं थोड़ी देर यहाँ रुकना चाहता हूँ, इन मोमेंट्स को जीना चाहता हूँ, पुराने दिन फिर से याद करना चाहता हूँ। मिलता हूँ थोड़ी देर के बाद आप लोगों से, बाय। ठीक है दोस्तों, मलाना अभी अभी क्रॉस किया है और टाइम मेरी घड़ी में है 4:15। 2 बजे निकला था, मलाना तक ही पहुँचा। अब मैंने टर्न ले लिया है पंचकुला की तरफ। पंचकुला का डिस्टेंस यहाँ से दिखा रहा है ऑलमोस्ट 74-75 किलोमीटर। तो 3 घंटे मुझे पंचकुला पहुँचने में लगेंगे और उसके बाद 1 घंटा या 40-45 मिनट का टाइम आगे के लिए। तो चलिए निकलते हैं वापस। मलाना में रुके, मैंने चाय के साथ गर्मा गर्म समोसे खाए और साइकिलिंग करके मैं पहुंचा शहजादपुर होता हुआ आईसर मोहाली चंडीगढ़ तक। दोस्तों रात के 8:45 का टाइम है, सुबह 7 बजे का निकला हुआ। मैं पहुंच चुका हूं वापस चंडीगढ़, अब थोड़ी देर में पहुँच जाऊँगा अपने घर। अच्छा राज अमी, आज सूरज निकला नहीं है तो ठंड बहुत ज़्यादा थी और इसी ठंड की वजह से एवरेज आई है 17.5 किलोमीटर पर आवर की। तो मैं पहुँच चुका हूँ विद इन 5 मिनट्स आई बी एट होम। मेरा गांव मेरा देश सीरीज यहाँ करके ख़त्म होती है। तो बाय बाय, मिलते हैं अगली सीरीज में बहुत जल्दी किसी नई लोकेशन पर, किसी नई यात्रा पर।